आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट वाली भिंडी। आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमें 250 ग्राम भिंडी ली है, जिन्हें हमने इस शेप में, थोड़ी तिरछी शेप में हमने काट लिया है। एक मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया है, जिसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने बड़ा बड़ा स्लाइस में काट लिया है। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, चार बड़ी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड्स, हाफ टेबल एंड हाफ रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। चलिए हम अपनी भिंडी को बनाते हैं। भिंडी बनाने के लिए हमें दो फ्राई पैन चाहिए। एक गैस पे हमने फ्राई पैन रखा है, दूसरी गैस पे हमने कढ़ाई रखी है। फ्राई पैन में हम वन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और अपनी भिंडी जिसमें हमें बनानी है उसमें हम 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। देखिए हमारा पैन वाला तेल गर्म हो गया है, उसमें हम अपने ये टमाटर डाल देंगे। टमाटो को हमको अलग से पकाना है। अगर हम भिंडी में डाल देंगे तो भिंडी हमारी पकेगी नहीं, इसलिए हमें इसे अलग से पकाना है। और हमें 1/3 चौप इसमें सॉल्ट डालना है, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। ज़्यादा नहीं, बस 1/3 चौप, जिससे कि टमाटर गल जाए। और इसको हम ढक देंगे। देखिए हमारा कढ़ाई वाला ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें पहले जीरा डाल देंगे। जीरा के बाद हम इसमें अपना स्लाइस से कटा हुआ अनियन डालेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम अपने ड्राई मसाले डाल देंगे, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, इसको हम डाल देंगे इसमें। मसालों को डाल के हमें अच्छे से चला लेना है। उसके बाद जो हमने ये अपनी हरी मिर्च ली थी उसे इसमें डाल देंगे हम और चला लेंगे। देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम अपनी भिंडी डाल देंगे। आइए देख लेते हैं जो हमने पैन में टमाटर पकने के लिए रखा था वो पक गया होगा। ये देखिए टमाटर हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। टमाटर हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, गल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये टमाटर की प्यूरी हमें, हमारी भिंडी पक जाएंगी उसके बाद हमें भिंडियों में डालना है। कि भिंडी डाल के चलाने के बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट हमें अपने टेस्ट के अनुसार डालना है, कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो। इधर हमारा जिस पैन में हमने अपना टमाटर बनाया था, टमाटर को पकाया था, वो टमाटर की गैस ऑन कर लेते हैं और उसमें हम अपनी ये भिंडियों को इसमें डाल देते हैं। देखिए हमने अपनी भिंडियों को टमाटर में डाल दिया है। इसके बाद हमने ये हमारा गरम मसाला था 1/2 टेबल स्पून, उसे डाल देंगे। और जो ग्रेटेड हमारा कोकोनट था उसे डाल देंगे। थोड़ा सा कोकोनट हम अपना बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए, जिससे हम इसकी गार्निशिंग करें। एक कोकोनट डाल के हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इस गैस बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए भिंडियों को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब ऊपर से हम अपना कोकोनट जो है उसको, उससे इसको गार्निश कर देंगे। देखिए हमारी कोकोनट भिंडी तैयार है।
अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने